राम राम दोस्तों, मैं रेबल एन के आपका स्वागत करता हूं ओरेकल टॉक्स के एपिसोड 44 में। आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां इंसानों को जाना सख्त मना है। नंबर एक पर है द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड चारों तरफ से नुकीले मूंगे की चट्टानों से घिरा हुआ है, इसलिए इस पर जाना बहुत मुश्किल है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यहाँ के मूल निवासियों को सेंटलीज कहते हैं। सेंटलीज बाहरी दुनिया से कोई सरोकार नहीं रखना चाहते। अगर कोई इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करे तो ये उस पर हमला कर देते हैं। तो अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो इस आइलैंड से जितना दूर रह सके उतना बेहतर है। नंबर दो पर है द लास्का केव्स। यह अजीब दिखने वाली गुफा दक्षिणी फ्रांस में स्थित है और यह कम से कम 20,000 साल पुरानी है। यह गुफा अपनी सुंदरता के कारण बहुत समय तक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। यह गुफा आखिर कैसे बनी, यह जानने की उत्सुकता के कारण भी यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते थे, लेकिन 1963 में इस गुफा को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। 1948 में एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि पर्यटकों के सांस लेने से जो CO2 बन रही है वह गुफा की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को खराब कर रही है, इसलिए इसे 1963 में बंद कर दिया गया और उसके थोड़े ही दिन बाद इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। आज के समय कुछ वैज्ञानिक ही सुंदर जगह जा सकते हैं। नंबर तीन पर है मेट्रो 2। लगभग 5,200 अंडरग्राउंड मेट्रो रेल मॉस्को रशिया में बनाई गई थी। ये मेट्रो बिल्कुल पब्लिक मेट्रो के नीचे बनाई गई थी। बहुत समय तक इन्हें गुप्त रखा गया। इस मेट्रो का निर्माण परमाणु आपदा से बचने के लिए किया गया था, अगर उस समय कोई होती तो। नंबर चार पर है द आइस ग्रैंड श्राइन। यह श्राइन जापान की सबसे पुरानी श्राइन है। इस श्राइन के अंदर लगभग 100 छोटी श्राइन्स हैं, जैसा कि हमारे मंदिरों में होता है, एक बड़े मंदिर के अंदर कई छोटे छोटे मंदिर होते हैं, लेकिन आप इसके अंदर जाकर देख नहीं सकते। सिर्फ कुछ शाही जापानी परिवार के लोग और पुजारी ही इसके अंदर जा सकते हैं। नंबर पांच पर है ईस्ट रेनेल सोलोमन आइलैंड। यह जगह दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां आप जा नहीं सकते और आप जाना भी नहीं चाहेंगे। यहाँ के लोग भी सेंटिनलीज की तरह बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते। अगर आप यहाँ पहुंच भी गए तो जिंदा वापस नहीं आएंगे, यहाँ के लोग आपका शिकार कर लेंगे। यह बहुत ही दुखद बात है, हम यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और यूनेस्को ने इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है, लेकिन यह बात यहाँ के लोगों को कौन बताए। नंबर छह पर है स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड साउथ पाउलो ब्राजील तट से थोड़ा दूर स्थित है। इस आइलैंड को उसका नाम सांपों की बहुत अधिक जनसंख्या होने के कारण मिला है। इस आइलैंड पर जाने की किसी को अनुमति नहीं है क्योंकि यह बहुत खतरनाक है, या हर कदम पर आपको काटने को एक सांप तैयार बैठा है। सिर्फ कुछ वैज्ञानिक कई अथॉरिटी से अनुमति लेके यहाँ जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।